हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना आर्य जोशी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और आज हम बनाने वाले हैं हांडी वाले राजमा। तो हांडी वाले राजमा बनाने के लिए मैंने एक तरफ कुकर में राजमा को बॉयल होने रखा है और दूसरी तरफ हांडी को बिल्कुल स्लो आंच पर इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैंने देसी घी डालकर इसको गर्म करने रखा हुआ है। अब इसमें सबसे पहले जाएगा दालचीनी का टुकड़ा और 1 छोटा चम्मच जाएगा जीरा, साबुत जीरा। जब तक ये अच्छे से भुनता है और उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और इसको भी अच्छे से भुनेंगे। जीरा जो है वो अब अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें इस स्टेज पे डाल देंगे अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट और अब इसको अच्छे से भुनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, लाइट ब्राउन, और घी जो है वो सेपरेट ना हो जाए। अब जो ये मसाला है बहुत देर हो गई है इसको भूनते हुए, तो अभी इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी इसके साथ ही टमाटो प्यूरी। 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर की पेस्ट मैंने इसमें डाली है। अब इसको भुनेंगे इसके साथ और इसको भी बहुत अच्छे से भुनना है जब तक ये घी जो है सारा सेपरेट ना हो जाए। जब तक हमारा मसाला भुन रहा तब तक मैंने दूसरी तरफ 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी, 2 चुटकी हींग, 2 हरी मिर्चों को स्लिट कर लिया है और इसमें मैंने साथ में डाला 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून चना मसाला, 1/4 टीस्पून पाव भाजी मसाला और 1/4 टीस्पून सांभर मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस मसाले को अब डालेंगे अपने भुने हुए मसाले में और साथ ही जाएगा इसमें 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब सबसे पहले जाएगा ये मिक्स किया हुआ मसाला इसमें और साथ ही हरी मिर्चें। अब 1 चम्मच जाएगा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जाएगा हल्दी पाउडर, 1/4 जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च। अब ये मसालों के साथ अच्छे से पकने के लिए इसको ढककर छोड़ देंगे ताकि ये अच्छा सा फ्लेवर जो है वो मसाले में आ जाए और ये जो घी भी है वो रिलीज़ कर दे। चलिए एक बार मसाले को चेक करते हैं। मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है और इसने तेल छोड़ना भी शुरू कर दिया। बस इस स्टेज पे इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना इसमें नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है तो ये ध्यान रखें उसी हिसाब से नमक को डालें। जब राजमा को मैंने बॉईल करने रखा था 1/2 चम्मच उसमें नमक डालकर, 1 से 2 लौंग डालकर, थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर इसको मैंने कुकर में उबलने के लिए छोड़ दिया था। तो नमक का इस्तेमाल उतना ही करें। तड़का हमारा पूरी तरह रेडी हो चुका है। अब मैंने गैस जो है वो स्विच ऑफ कर दी है और इसको अभी ढककर छोड़ देंगे। और राजमा ये पूरी तरह गल चुके हैं, आपको दिख ही रहा होगा। अब इन राजमा को डालेंगे अपने तैयार किए हुए मसाले में। तो चलिए डाल देते हैं इसको इसमें। थोड़े से राजमा को हांडी में बिल्कुल मैश करके डालें ताकि जो ये हमारी ग्रेवी है ये थोड़ी थिक हो, तो इसके लिए इसको थोड़ा मैश करके ज़रूर डालें। लास्ट में इसमें जाएगा 1/2 चम्मच देसी घी, ये जो इसकी टेस्ट को वो और बढ़ाएगा, इससे बहुत ही टेस्टी लगेंगे राजमा। और इसके बाद इसमें जाएगा कटा हुआ बारीक हरा धनिया। बस ये राजमा हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे फीडबैक दीजिए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और जल्दी मिलेंगे एक नई सी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।